हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपको बता दें कि आज का जो लेक्चर होगा वो लेक्चर 2 होगा। इसमें हम आपको क्लास 12th के चैप्टर 1 संबंध एवं फलन को बता रहे थे, जिसमें हम आपको कुछ डेफिनेशन बताए थे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, तो अगले वाले लेक्चर में हम एक क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर अगला वाला लेक्चर आप नहीं देखें तो प्लीज़ दोस्तों अगला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। देख सकते हैं आप, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r दिया है, x, y संबंध है, y इक्वल टू दिया है x+5 तथा x<4> द्वारा परिभाषित संबंध R है। ठीक है, तो इसमें हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। और आप अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन आपको बताएंगे एक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं कि जो दिया था आप में प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय जो है यन है। ठीक है, तो लिखेंगे आप प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कितना था, यन है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है जो आर आपका एक संबंध दिया है वो क्या है, x, y संबंध है, y इक्वल टू x+5 तथा x less than 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको पहले यन प्राकृतिक संख्याएं लेनी है। तो यन प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक संख्याएं आप 1, 2, 3, 4 डैश डैश कुछ भी आप लिख सकते हैं अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आपको रिलेशन एक बताएंगे। रिलेशन में आपका क्या है, रिलेशन तो आपका यही है, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक समीकरण दिया है y इक्वल टू x+5। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो हमारे रिलेशन है वो क्या क्या है। तो r इक्वल टू लिखेंगे आप, अगर इसमें x का मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 6 मिलेगा। और वैसे ही अगर 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। 3 रखेंगे, अगर 3 रखते हैं आप तो 8 मिलता है। तो ऐसे ही आपका चला जाएगा ये अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे आपको बताना है कि यह स्वतुल्य है कि नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य होने के लिए हम आपको बताए थे कि स्वतुल्य कब होगा, तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए क्या बताए थे हम आपको कि अगर यहाँ पे 1, 1 इज बिलोंग टू आर। ठीक है, अगर इसमें हमारा जो रिलेशन है इसमें 1, 1 है तो स्वतुल्य है, अगर नहीं है तो स्वतुल्य नहीं है। देखिए यहाँ पे 1, 1 नहीं है, इसलिए यह संबंध नहीं है। तो लिखेंगे स्वतुल्य इतना नहीं है, नहीं है। अब दूसरा कह रहा था आपको कि दूसरा जो आपको बताना है उसमें बताना है आपको कि जो सममित है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, उसके लिए आप देखेंगे। तो उसके लिए आप करेंगे 1, 6 हो और 6, 1 हो। ठीक है, और बिलोंग टू आर हो। ठीक है, तो अगर पहले इसमें देख लीजिए आप, 1, 6 तो है, यह सममित की कंडीशन हम आपको डेफिनेशन में बताए हैं। डेफिनेशन आप देख लेंगे तो पूरी तरह से यह मैटर समझ में आ जाएगा। तो देखिए 1, यहाँ पे देखिए 1, 6 तो है, यहाँ पे देखिए ये 1, 6 तो है लेकिन 6, 1 नहीं है, तो ये बिलोंग टू आर नहीं है। तो लिखेंगे यह सममित नहीं है, यहाँ लिखेंगे नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, तीसरा हमारा क्या था, संक्रामक है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक के लिए क्या होता है, संक्रामक के लिए x=y=z होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब क्या है संक्रामक के लिए, कि यहाँ पे 1, 6 और 6, 1 बिलोंग्स टू R, इतना तो होना चाहिए था हमारा, लेकिन इस वाले समीकरण में इसमें आप रिलेशन में देखेंगे तो यह हमें नहीं मिलता है, तो यह भी नहीं है, लिखेंगे नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन थी आपके लिए, संक्रामक के लिए यह था कि x=y=z इतना तो होना चाहिए था,
इतना तो होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इतना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आज का बताएंगे, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए, यही आप जांच कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में आर इक्वल टू ए कामा बी संबंध बी इक्वल टू वन प्लस ए प्लस वन है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। तो इतना है आपको तो बताना है, तो पहले आप इसमें क्या करेंगे, जो दिया है समुच्चय जो दिया है उसे पहले लिखेंगे आप। तो समुच्चय लिख लीजिए पहले यहाँ पे समुच्चय, आप दो ही क्वेश्चन देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए। यह इससे तो हमें नहीं लगता है कि अगर इन क्वेश्चन को अगर एग्जाम में आ जाता है तो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। यह आपको बहुत आसानी से करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप पहले 1, 2, 3, 4, 6, यह तो आपका समुच्चय दिया हुआ है। अब रिलेशन क्या है आप ये देख लीजिए, रिलेशन आपका है ए कामा बी संबंध है बी इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, यही तो आपका दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले आर इक्वल टू लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला समीकरण है यहाँ पे पहले लिख लीजिए बी इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। अब हमें आर इक्वल टू निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे आप, इसमें जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू एक रखिए, तो एक रखेंगे तो क्या होगा, जैसे पहले आप करेंगे तो वैसे ही इसको भी करना है। तो आर आर में वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन यहाँ पे रखेंगे तो वन प्लस वन टू हो जाएगा। तो आगे देखिए 2, 3 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे रखेंगे 2 तो 3 हो जाएगा, अगर 3 रखते हैं तो 4 हो जाएगा। जोड़ते चले जाइए, ऐसे ही जोड़ते आप चले जाइए, ऐसे ही आप जोड़ते चले जाइए अनंत तक, ठीक है दोस्तों। यह आपका चलता चला जाएगा, ठीक है, तो यह आपका चलता चला जाएगा। तो अब कंडीशन क्या कह रहा है, स्वतुल्य है कि नहीं है यह बताना है हमें। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन आपको पता हो गई होगी, इतनी बार बता चुके हैं, हमें नहीं लगता कि आपको अभी तक स्वतुल्य के लिए ना पता हो। तो इसमें स्वतुल्य के लिए 1, 1 होना चाहिए था, ठीक है, तो 1, 1 नहीं है, या कहने का मतलब 1, 1 नॉट बिलोंग टू आर, यह आर से संबंधित नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे यह नहीं होगा, यानी स्वतुल्य नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है कि सममित है कि नहीं है। सममित के लिए भी हम आपको बता चुके हैं कि जो इसमें हो वही पलटने पे भी होना चाहिए, जैसे 1, 2 है तो 2, 1 भी तो होना चाहिए, यही तो सममित का कंडीशन है। तो यह भी आप इसमें देखेंगे तो यह भी नहीं है, तो लिखेंगे नॉट बिलोंग टू आर, नहीं होगा, ठीक है। अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो हमें नहीं बहुत हमें अच्छा लगेगा, और आप कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, कमेंट जरूर किया करें कि इससे हमें पता चले कि हाँ आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको बार बार बताएंगे, यह तो हमारा काम ही है। लिखेंगे अब संक्रामक के लिए क्या कंडीशन है, संक्रामक, संक्रामक के लिए भी क्या था, x इक्वल टू y इक्वल टू जेड होना चाहिए। तो इसके कहने का मतलब 1, 2, 2, 3 और 3, 1 होना चाहिए था इसमें, यही तो संक्रामक की कंडीशन है। तो लिखेंगे यह भी संबंधित नहीं है, बिलोंग टू नॉट आर, ठीक है, नहीं होगा, लिखेंगे नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का चौथा क्वेश्चन, देखेंगे पहले चौथा क्वेश्चन देख के उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चौथा क्वेश्चन आपको दिखा दूं, चौथा क्वेश्चन यहाँ दिया है, देखिए कि सिद्ध कीजिए कि R में R इक्वल टू ए कामा बी संबंध है ए लेस देन इक्वल बी द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ठीक है दोस्तों। यह तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से देखें। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो पहले रिलेशन आप लिखेंगे, जो R इक्वल टू दिया है क्या है, ए कामा बी संबंध है ए लेस देन इक्वल बी है, ठीक है दोस्तों, यही तो आपका दिया है। तो इसमें करना क्या है, पहले स्वतुल्य के लिए आपको पता होना चाहिए, स्वतुल्य के लिए क्या होगा, लिखेंगे आर स्वतुल्य है, क्यों है ये बता रहे हैं हम आपको, ये आर स्वतुल्य है,
ए इक्वल टू वन करेंगे तो यही हो जाएगा, ए जो है वन क्या कर रहा, इक्वल यानी ए इक्वल टू, ए लेस देन इक्वल है ना, यहाँ पे ए लेस देन इक्वल बी है, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब यही तो है, इसके कहने का मतलब यही तो है। तो चलिए इसका मतलब यह हमारा स्वतुल्य है, ठीक है, यानी हमारा जो ए वाला वैल्यू है बी वाले वैल्यू से मतलब इक्वल टू है। तो चलिए दूसरा देखते हैं, इसमें संक्रामक के लिए, सममित के लिए आर सममित नहीं है, क्वेश्चन में आप में लिखा है, अब क्यों नहीं है ये हम आपको बताएंगे। ए कामा बी जो दिया है, ए कामा बी से कम बी कामा ए ही तो होगा, ठीक है दोस्तों। ए कामा बी से कम बी कामा ए कम नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ये जो होगा हमारा कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हमारा बी है वो ए से क्या है, ए से कम है कि नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है, तो कम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसीलिए यह सममित नहीं है। तो चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है आपका, तीसरे के लिए कह रहा है संक्रामक, संक्रामक है कि नहीं है संक्रामक, ये तो आपके क्वेश्चन में ही दिया है संक्रामक है, बस इतना बताना है कि यह क्यों है क्यों नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे स्वतुल्य है और सममित नहीं है, इसलिए यह संक्रामक है, ठीक है दोस्तों, इसलिए यह संक्रामक है, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आज का, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा उसके बाद आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप पांचवा क्वेश्चन यहां से देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन ये है, जांच कीजिए कि क्या आर में आर इक्वल टू ए कामा बी संबंध है ए लेस देन इक्वल बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो यह क्वेश्चन आपको बताऊं तो यह क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप इसमें बस थोड़ा इधर उधर करेंगे तो आपका, हमें नहीं लगता कि नहीं आ पाएगा। तो ए कामा बी ये दिया है और संबंध है ए लेस देन इक्वल बी क्यू, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व क्या करेंगे, आर स्वतुल्य नहीं है, लिखेंगे आर स्वतुल्य नहीं है। तो क्यों नहीं है ये हम आपको बताऊंगा, आर स्वतुल्य नहीं है तो ए की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे आप, तो बी क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/8 हो जाएगी, यह तो संभवतः सही है, आप देख सकते हैं। तो अगर 1/2 कामा 1/8 से कम नहीं है आप देख पा रहे हैं, तो ये तो स्वतुल्य के लिए है। अब देखिए तो समतुल्य के लिए था, अब देखिए कि संक्रामक के लिए सममित के लिए क्या होगा, सममित के लिए आप कहेंगे सममित नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आपको बताएंगे, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब दिया है, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो बी कामा ए क्यूब कम या बराबर होगा, ठीक है, कम या बराबर होगा। तो तीसरा पॉइंट आपका दिया है, तीसरा पॉइंट क्या है कि आर संक्रामक, जो आर है संक्रामक नहीं है, ठीक है दोस्तों, ये आर जो है संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक के लिए क्या कंडीशन थी कि जो हमारा अगर ए लेस देन बी क्यूब कामा बी लेस देन इक्वल सी क्यूब कामा ए लेस देन इक्वल सी क्यूब, यही तो हमारी कंडीशन थी, यही तो हमारी कंडीशन थी किसके लिए, संक्रामक के लिए। तो चलिए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन आपको दिखा दूं कि यहाँ पे दिया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R(1, 2, 2, 1) द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है, ठीक है दोस्तों, आप छठवां क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे छठवां क्वेश्चन हल करते हैं, छठवां क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले आप समुच्चय को लिख लीजिए, समुच्चय आपका दिया है 1, 2, 3 दिया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया है। तो आर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आर दिया है आपका 1, 2
और 2, 1, ठीक है दोस्तों, यही तो आपके क्वेश्चन में दिया है। तो इसके लिए पहले हमें स्वतुल्य कर्म, सॉरी दोस्तों अगर बाहर से आवाज़ आ रही है ज़्यादा तो थोड़ा उसे इग्नोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं, पहला है स्वतुल्य है कि नहीं है ये हमें बताना है। स्वतुल्य के लिए हम आपको बता चुके हैं कि देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, यह हमारा रिलेशन में अगर दिया रहेगा तो हमारा स्वतुल्य है। तो इस रिलेशन में हमें ऐसा तो कुछ मिलता नहीं है, तो नॉट इक्वल टू आर, ठीक है। तो यह लिखेंगे नॉट इक्वल टू आर, स्वतुल्य लिखेंगे, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। स्वतुल्य यह नहीं है कि अगर यह हमारा इस वाले रिलेशन में मिलता सब तो हमारा स्वतुल्य हो जाता, और इसलिए रिलेशन में नहीं दिया है तो स्वतुल्य नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि सममित है कि नहीं है, सममित के लिए भी आप देख सकते हैं। सममित के लिए क्या होता है, 1, 2 और 2, 1, यही तो था। तो ये क्या है, ये क्या है, सममित है। देखिए इसमें भी यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो 1, 2, 2, 1 है, तो यह सममित है। तो लिखेंगे यहाँ पे सममित है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा संक्रामक के लिए कह रहा है, संक्रामक के लिए कह रहा है, संक्रामक के लिए 1, 2 होता है और 2, 1, तो यहाँ पे एक और होना चाहिए कि क्या कि सी की वैल्यू तो यहाँ दी ही नहीं, ए बी और ए बी की यहाँ तो दी है। देखिए ए बी और बी ए दिया है लेकिन सी ए तो दिया ही नहीं है, तो इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक नहीं है, ठीक है दोस्तों, संक्रामक नहीं है। हम आपको बता दें कि जब यह हमारा तभी सही होता है जब x इक्वल टू y इक्वल टू जेड दिया रहा हो, तभी तो हमारा सही होता है संक्रामक के लिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7वां क्वेश्चन। थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन क्षमा चाहेंगे उसके लिए, नहीं तो पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो चलिए आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आपको बता दूं, 7वां क्वेश्चन है आपको, देखिए यहाँ पे दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए में है, किंतु न तो स्वतुल्य है और न, सॉरी दोस्तों वो नहीं था, फिर से देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू दिया है, यक्स का मवाई संबंध यक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक स्वतुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों। इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो इसमें पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा यक्स कामा वाई है ये क्या है, पेजों की संख्या समान है, लिखेंगे पेजों की संख्या समान है। तो आगे क्या करेंगे, समान है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि पहला पॉइंट था ये आपका स्वतुल्य के लिए, अगर स्वतुल्य कब होता है तो यक्स का यक्स होता तो स्वतुल्य होता। तो देखिए आपको बता दूं कि यहाँ पे कह रहा है पेजों की संख्या समान है, यानी यक्स इक्वल टू वाई, तो यह हमारा रिलेशन सही है यानी स्वतुल्य है, ठीक है, यह स्वतुल्य है। तो दूसरा क्या दिया है आपका, स्वतुल्य है या तो सममित के लिए आप देखेंगे, अब सममित, सममित के लिए क्या है, यक्स का मा वाई और वाई का मा यक्स है, ठीक है दोस्तों, ये तो आपका है। तो चलिए अगला देखते हैं, तीसरा के लिए क्या है, तीसरा आप देख सकते हैं संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, यक्स का मा वाई हो जाएगा और वाई का मा यक्स हो जाएगा और जेड का मा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आर यहाँ पे लिखेंगे, आर तुल्यता संबंध है, ठीक है दोस्तों, आर तुल्यता संबंध है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपको अगली प्रश्नावली की तरफ ले चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।